कब रुकेगी बारिश? मैं सोचती थोड़ी देर ही रुक जाती ना, बस यहाँ से वहां पहुंचने तक। माहौल भी है, वक्त भी है, सब कुछ है, तो फिर मैंने कहा चलो पकौड़ी बनाते। तो प्याज और आलू की मैं गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की दोबारा ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग से चाय बनाने से। तो या अभी हमारा ब्रेकफास्ट बन रहा है, इधर ब्रेकफास्ट, ये चाय बन रही है एक्चुअली। सो गाइस बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, स्टिल बारिश हो रही है। और हमारी मक्का कितनी अच्छी है, बापरे क्या हो गया, क्या देख लिया? अच्छा कुत्ता है, एक डॉगी और है वहाँ पर। देखो तो मैंने तो सोचा क्या देख क्या है सजी, क्या हो गया। मैं कह रही थी कि यहाँ पर जो हमारी मक्कई हुई थी वो पूरी गिर गई है नीचे, तो ढल गई है। और मक्कई भी होने लगी थी उसमें, छोटी छोटी सी हो गई थी। मैं दिखाती हूँ आपको, देखो पूरी गिर गई है मक्कई नीचे को। आ गया आ गया आ गया, क्या हुआ? रॉकी डॉन, रॉकी डॉन, रॉकी डॉन, अरे देख रहे यार, रॉकी डॉन बोल के। तो देखो मक्कई हमारी लग गई थी, बालियां भी हो गई थी, बट गिर गई पेड़ पूरे बारिश की वजह से। अभी भी हल्की हल्की बारिश हो ही रही है। सो कपड़े भी पूरे गीले थे और हमने पता ठंडियों के जैकेट्स निकाल लिए, इतना ठंडा हो रहा है। और फिर बारिश में तो इधर उधर करना है, तो मैंने ये वाले जैकेट निकाले हैं दो, एक ये वाली और एक ये वाली ब्लू कलर की। गीली हो जा रही है आने तक, तो सुखाना पड़ रहा है इनको ऐसे ही करके। सो ये तो सूख गई, परसों की जैकेट है तो आज हल्की सूखी है, ये कल की जैकेट है ये कल सूखेगी। तो आज ये पहन के लिए जाती हूँ, स्कूटी में ही जाना पड़ेगा आज तो, क्योंकि ट्यूशन भी जाना है तो स्कूटी में जाना पड़ेगा। कब रुकेगी बारिश? मैं सोची थोड़ी देर ही रुक जाती ना, बस यहाँ से वहाँ पहुँचने तक। भगवान जी मेरी सुन लेते कितना अच्छा होता है ना रुकू, भगवान जी सुन लेते तो कितना अच्छा होता ना, है ना? कैसे इग्नोर करते हैं भाई, एकदम ऐसे देख रहा था ऐसे कर दिया, इग्नोरेंस कितना इग्नोर। तो चलो फिर ब्रेकफास्ट तो हो चुका है, अब वहीं जाके मिलते हैं। यहाँ पे दो रेनकोट थे मेरे, यहाँ पर तो रेनकोट, मेरे पास पैंट वाला रेनकोट नहीं ना, इसकी वजह से मेरा पूरा पैंट भीग गया। वैसे मैं एक्स्ट्रा पैंट ले जाती हूँ यहाँ से, आज सोच रही हूँ गीले में बैठने से अच्छा तो एक्स्ट्रा ले जाऊँ। सो फाइनली आई एम ऑल सेट और स्कूटी में जाना है आज, तो चलो फिर चलते हैं। बैग भी रेडी है, ड्रेस भी रख दिया मैंने एक जोड़ा, फिर चलो फिर चलते हैं। सो गाइस ऑफिस तो पहुंच चुके हैं, बट बहुत तेज मतलब हल्की हुई है आज तो बारिश, तेज तो नहीं हुई है बट हो ही रही है, स्कूटी बाइक वालों के लिए तो हो ही रही है। मैं फिर से आ गई हूँ ऊपर थोड़ी देर के लिए आप लोग को नदी दिखाने के लिए। ओ भाई नदी तो और ज़्यादा फैल गई है यार, देखो फिर से दिखाती हूँ। गाइज वेलकम बैक होम अगेन, और आज क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी हुई है, और देखो लक कितना अच्छा है कि आज बारिश रुक गई है, आते वक्त बारिश रुक गई थी। सो मैं कुछ चीज़ें लेके आई दुकान से और मैं बनाई हूँ पकौड़ी। ठंडी ठंडे मौसम में पकौड़ी खाने का कुछ और ही मज़ा होता है, और टाइम भी मिल गया। वो बोलते हैं कि माहौल भी है, वक्त भी है, सब कुछ है, तो फिर मैंने कहा चलो पकौड़ी बनाते। तो प्याज और आलू की मैं पकौड़ी बना रही हूँ, मैंने बैटर ऑलरेडी बना चुका है इसमें। सो हियर इज़, ये मेरा आलू और प्याज का बैटर है, और ये मेरे फॉर्च्यून तेल भी खत्म हो गया था तो मैं ये तेल लेके आई हूँ, स्पेशली मैं पकौड़ी बनाने के लिए तेल खरीद के लेके आई हूँ। सो अभी तो तेल गर्म ही हो रहा है। आज हमारा निमंत्रण है सत्यनारायण कथा का, मेरी बुआ लगती है वो, तो वहाँ जाना है। सो अभी जो पकौड़ी बनाने का चार्ज है वो मम्मी ने ले लिया है। सो मम्मी यहाँ पकौड़ी बना रही है मेरे बदले, मैंने इतनी तो बना दी थी, एक बारी का मैंने बना दिया था, दूसरी बारी का मम्मी बनाएंगे। मैं रेडी हो जाती हूँ एक बार, क्योंकि कथा में जा रहे हैं।
प्रसाद लेने जा रही हूँ, तो थोड़ा सा ट्रेडिशनल, मतलब इतना ट्रेडिशनल नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी मेरे कपड़े सारे गीले हो रखे हैं ऑफिस की वजह से। सो और सारे नहीं पहनूंगी, बुरी तो गई वो कपड़े को पहन, मतलब वो गीले हो रखे हैं हल्के फुल्के, तो मैं नॉर्मल पहनती हूँ ब्लैक वाली कुर्ती और क्रीम कलर का पैंट, वो सही रहेगा। या उसके बाद मिलते हो आप। सो गाइस आई एम रेडी और मैंने ये वाला ड्रेस पहना है और चलो फिर चलते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, यहीं पर है जिस रास्ते पे, सो वॉकिंग डिस्टेंस पे तो चल कर ही जाऊँगी मैं। स्कूटी तो वैसे भी वहाँ रखी है, स्कूटी की जस्ट थोड़ा सा आगे। सो लेट्स गो। सत्यनारायण भगवान का आशीर्वाद लेके आते हैं और प्रसाद खा के आते हैं, प्रसाद खा के नहीं आते, प्रसाद ग्रहण करके आते हैं ना, ऐसा बोलते हैं क्या, प्रसाद खा के बोलते हैं या प्रसाद ग्रहण करना कहते हैं, मुझे बताना कमेंट में। ओके सो धूप जैसे आ रही है यार, ओ माय गॉड, ये क्या चमत्कार हो गया आज तो, मतलब सत्यनारायण की कथा के साथ साथ सब कुछ सही हो गया, धूप भी आ रही है, देखो उजाला दिख रहा है मेरे फेस पे, इधर से अंधेरा इधर से उजाला। ओ भाई जय हो सूर्यदेव, बस अब बारिश मत करो, इंद्रदेव भगवान जी की पूजा करनी पड़ेगी, उनको बोलना पड़ेगा कि बस बहुत हुआ, अब नहीं चाहिए हमें। तो चलो फिर चलते हैं, बहुत घासी घास हो रही है रास्ते में, ये देखो यहाँ पर तो अभी पानी सूख गया ना, सुबह ऐसा हो रहा था कीचड़ ही कीचड़, बहुत अच्छा है, यहाँ से कूलर टाइप का बना रखा है, नाला टाइप का, तो वहाँ से जा रहा है पानी पूरा। यहाँ से दिखाती हूँ, यहाँ ऊपर से आ रहा है पानी, यहाँ से आ रहा है और यहाँ से नीचे वो बह रहा है पूरा। सो हम पहुँच गए हैं, ये वाला घर है वाइट कलर का, तो नया घर बना है इसलिए सत्यनारायण की कथा है। चलो यहाँ से अंदर को, चप्पल ही चप्पल, मैं कहाँ खोलूँ, यहाँ खोलती थी। हेलो, सो गाइस आई होप आपको यहाँ तक का व्लॉग पसंद आया होगा, और ऐसे छोटे मोटे व्लॉग्स देखने के लिए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं कल के व्लॉग में, जहाँ पे हमारी सत्यनारायण की कथा है, बहुत ज़्यादा मज़े करे हमने यहाँ पर, और आप ग्लिम्स तो देख ही सकते हो थोड़ा बहुत, तो ये छत वाला व्यू है, व्यू भी दिखाऊंगी आपको कल। तो मिलते हैं आपको कल वाले व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, शेयर भी ज़रूर कर देना। ओके बाय बाय।